हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, गुड इवनिंग सभी को, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आप देख रहे हैं रात 9 बजे वाली क्लास, और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 8 के 25 क्वेश्चन, डे 8 के 25 क्वेश्चन। अब ये क्या है डे 8, पार्ट 8, ये क्या है? तो टीएसएल ने आपका जो नॉरसेट 6 की तैयारी के लिए और नॉरसेट 7 की तैयारी के लिए आपका एक शेड्यूल बन जाए, इसके लिए एक 21 डेज का हमने चैलेंज रखा था, चैलेंज स्टार्ट किया था कि स्टूडेंट 21 डेज तक हमारे साथ एक काम करे। उसमें से डे 8 है आज। क्या था 28 डेज का चैलेंज? कि इसमें डेली टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन में 10 बजे 25 क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे। कहाँ अपलोड होंगे? ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें फ्री टेस्ट के अंदर ये अपलोड हो जाएंगे, ठीक है? वहां से आप सीधे दे सकते हो। आप टेस्ट देंगे, बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट देंगे, आपके जितने भी नंबर आएंगे उसमें पता लग जाएगा, नेगेटिव मार्किंग का, आपको कितना अटेंड करना आ रहा है, ये सारी चीजों का पता लग जाए। फिर रात को 9 बजे वाली क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे, किसी भी उसमें कंडीशन में हम उसको क्लास को करेंगे, ठीक है? जैसे आज हमारे साथ थोड़ी सी ट्रेजडी हुई है ना, कि मॉर्निंग शिफ्ट की बजाय इवनिंग शिफ्ट में अटेंड करनी पड़ी ड्यूटीज, इसकी वजह से थोड़ा मिसमैच हो गया, ठीक है? बट फिर भी मैंने आपके लिए क्लासेस तैयार कर ली है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है, आज की क्लास को। चलिए, 14th डे है आज, 25 क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, The nurse is caring for a client scheduled for bilateral adrenalectomy for treatment of the adrenal tumor. What information should the nurse give the client about the post surgical needs? ध्यान से समझो अभी इस बात को। क्या कि एक पेशेंट है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने 1000 बार ये बात बताई है, ऐसे ही आप सॉल्व करने का तरीका डेवलप कीजिए। कैसे? पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बड़ा क्वेश्चन है तो टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उसको पढ़िए, ठीक है? पढ़ने के बाद खुद की लैंग्वेज में रिवर्ड कीजिए। रिवर्ड करने का मतलब है कि खुद की लैंग्वेज में बोलिए उसको कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। फिर हम ऑप्शन पढ़ेंगे, एक एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते जाएंगे कि जो पूछना चाह रहा है वो ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है? चारों पढ़ के फिर डिसाइड करेंगे। तो रिवर्ड करके देखते हैं कैसे। क्वेश्चन में पूछा, नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर बाइलेटरल एड्रिनलेक्टमी। अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है, ऑपरेशन होने वाला है। बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ की एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव करने का है ना, सर्जरी होने वाली है, बाइलेटरल एड्रिनलेक्टमी पेशेंट को होना है। क्यों? क्योंकि एड्रिनल ट्यूमर है। व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स गिव द क्लाइंट अबाउट द पोस्ट सर्जिकल नीड? ठीक है, सर्जरी के बाद में किस चीज की नीड हो सकती है, क्या हो सकता है, इसके रिगार्डिंग पेशेंट को क्या एडवाइस देंगे, ठीक है? अब आपको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो रखा है, सर्जरी करने के बाद हम इसको एड्रिनल ग्लैंड को निकाल देंगे, तो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन आने थे वो हार्मोन अब नहीं आएंगे, बस यही एक बात होगी, इससे रिलेटेड कोई ना कोई आंसर होगा। देखो, यू विल नीड टू अंडरगो कीमोथेरेपी आफ्टर सर्जरी, कि सर्जरी के बाद भी आपको कीमोथेरेपी करानी है। देखो, कीमोथेरेपी नहीं, रेडिएशन थेरेपी जरूर हम सर्जरी के बाद में करवाते हैं कि छोटा मोटा इधर उधर बच गया हो तो वो, और कीमोथेरेपी भी करानी पड़े तो वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज का कैंसर है उस पे, सभी में कोई जरूरी नहीं है करवानी है। और यहाँ तो ऐसा भी नहीं लिखा इसने कि भाई ये कैंसर का ट्यूमर है, ठीक है, ये भी इसने नहीं लिखा। नेक्स्ट, यू विल नीड टू वियर एब्डोमिनल बाइंडर आफ्टर सर्जरी, कि एब्डोमिनल बाइंडर आपको यूज लेना। एब्डोमिनल बाइंडर मेनली उसके लिए काम में लेते हैं जिसमें हम एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करते हैं ना, कि बड़ा इंसीजन है एब्डोमिन में, उसमें जनरली उस केस में काम में लेते हैं ना। नेक्स्ट, यू विल नॉट नीड एनी स्पेशियल लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आफ्टर सर्जरी, कि आपको सर्जरी के बाद में कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी? सारे के सारे हॉर्मोन को रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? नेक्स्ट, यू विल नीड टू टेक डेली हॉर्मोन रिप्लेसमेंट बिगिनिंग आफ्टर दी सर्जरी,
ठीक है, जैसे ही सर्जरी के बाद में आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ेगी और वो लाइफ लॉन्ग आपको लेना ही पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? डी आपके करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया सभी को? तो नेक्स्ट सवाल ध्यान से समझना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्या है? द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर एड्रेनलेक्टमी। पेशेंट को क्या हो रहा है? एड्रेनलेक्टमी, अभी हमने पढ़ा है। ठीक, आगे देखते हैं। The nurse plan to administer which medication in pre-operative period to prevent Addisonian crisis? अब ध्यान से समझो, एड्रेनलेक्टमी पेशेंट को होने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो? तो एड्रिनल ग्लैंड को जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो इसके हॉर्मोन्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, समझ रहे हो? अब इसमें से दो तरह के हॉर्मोन आ रहे हैं, एक तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आ रहे हैं, ठीक है, और एक आ रहे हैं आपके इसमें कैटाकोलेमाइंस, है ना, कैटाकोलेमाइंस। एड्रिनल मेडुला से तो आ रहे कैटाकोलेमाइंस और इससे आ रहे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। अब आपको पता है कि मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं इसके अंदर, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो ये अचानक से कम होंगे उसको एडिसन्स डिजीज बोलते हैं वैसे, है ना, एडिसन्स डिजीज। और एडिसन्स डिजीज यदि सीवियर हो या अचानक से कम हो उसको एडिसोनियन क्राइसिस बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पेशेंट है जिसको एड्रेनलेक्टमी होना है, उसको प्री ऑपरेटिवली आप कौन सी ऐसी दवाई दोगे कि ऑपरेशन के तुरंत बाद उसको एडिसोनियन क्राइसिस ना हो? मतलब क्या कि ग्लूकोकोर्टिकोइड की अचानक कमी ना हो तो क्या देंगे? ग्लूकोकोर्टिकोइड ही दे देंगे कोई ना कोई, है ना। अब क्या ग्लूकोकोर्टिकोइड देंगे? देखो, प्रेडनिसोलोन ओरली, प्रेडनिसोलोन भी ग्लूकोकोर्टिकोइड है, ठीक है, ड्रग है। बट ओरली ये ड्रग हम देंगे कब ये इफेक्ट देगी? सर्जरी तो अभी होने वाली है, ठीक है, समझ रहे हो ना, इसके एब्जॉर्प्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, इन सब में टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो और देखेंगे, कोई और प्रिपरेशन होगा तो उसको देखेंगे। फ्लूड्रोकोर्टिसोन ओरली, ये है ना जो मिनरलोकोर्टिकोइड है, और यहाँ पे एडिसोनियन क्राइसिस की बात कर रहे हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड की, तो ये इसलिए नहीं देंगे। स्पायरोनोलैक्टोन इंट्रामस्कुलर, स्पायरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक है, तो उसका एडिसोनियन क्राइसिस से मतलब नहीं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन, हाँ ये स्टीरोइड है, सोडियम सक्सिनेट आईवी, हाँ तो ये हम देंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? नेक्स्ट सवाल, द नर्स इज केयरिंग ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद द ग्रेव्स डिजीज टू रिसीव रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। ग्रेव्स डिजीज टू रिसीव रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। ग्रेव्स डिजीज का मतलब क्या कि भाई, ग्रेव्स डिजीज का मतलब क्या है कि कौन सा हार्मोन इसके अंदर बढ़ रहा है? मेन चीज तो ये देखो, ठीक है, पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज तो हो रहा है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर भी बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज को, क्या बोलते हैं, टॉक्सिक लिख लो, टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर, क्या बोलेंगे, टॉक्सिक डिफ्यूज्ड गोइटर भी इसको बोलेंगे, ठीक। अब समझो बात को, एक पेशेंट है जिसको टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर है, मतलब क्या कि थायराइड का जो साइज वगैरह भी ये सब इंक्रीज हो चुकी है, सीक्रेशन बढ़ रहे हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स शेयर द क्लाइंट अबाउट द थेरेपी? ठीक है, चलिए बताइए क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, देखते हैं क्या टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर हो रहा है। आयोडीन क्यों दे रहे हैं हम, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी क्यों दे रहे हैं इसको, क्योंकि जो हाइपर सीक्रेशन हो रहे हैं थायराइड के ये कम हो जाएं, इसीलिए दे रहे हैं, ठीक है। आयोडीन क्यों दे रहे हैं कि इसकी सप्लाई कम हो के जो हाइपर सीक्रेशन हो रहे हैं थायराइड के वो कम हो जाए। अब इस थेरेपी के बारे में बताना है तो बता दो, पहला, आफ्टर द इनिशियल डोज सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट मस्ट कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग, कि एक बार इनिशियल डोज दे देंगे उसके बाद जो और ट्रीटमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चाहिए होगा, ऐसा नहीं है हम रिमूव करके थोड़ी निकाल रहे हैं ग्लैंड को, ठीक है। द रेडियो एक्टिव आयोडीन इज डिजाइंड टू डिस्ट्रॉय द एंटायर थायराइड ग्लैंड विद जस्ट वन डोज, ऐसा है क्या? नहीं, ठीक है, ये धीरे धीरे उसके उसको कम करेगा, एक डोज में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा ऐसा नहीं है। इट टेक्स 6 to 8 weeks आफ्टर द ट्रीटमेंट टू एक्सपीरियंस रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम ऑफ द डिजीज, ये बात बिल्कुल सही है ना, कम से भी कम 2 वीक का समय इसको लगेगा इसके सीक्रेशंस को कम करने के लिए, पूरी तरीके से तो ब्लॉक इससे भी
नहीं होगा. नेक्स्ट, हाई रेडियो एक्टिविटी लेवल प्रोहिबिट कॉन्टेक्ट विद द फैमिली 4 वीक्स आफ्टर द इनिशियल ट्रीटमेंट. ऐसा नहीं है कि 4 वीक बाद हम रेडियो एक्टिविटी से कॉन्टेक्ट से प्रिवेंट करना है, शुरू से ही करना पड़ेगा. करेक्ट आंसर कौन सा है आपके? सी आपके करेक्ट आंसर है इसका. ठीक है, नेक्स्ट. अब देखिए, ये एक बार पढ़ के देखो और रिवॉर्ड करो खुद आप. ए क्लाइंट अराइव एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अपर जीआई ब्लीडिंग. अपर जीआई ब्लीडिंग, ठीक है, बिगिन 3 आवर्स एगो. अपर जीआई ब्लीड हो रहा है. पहली बात तो अपर जीआई ब्लीड होता है, उस पेशेंट का स्टूल का कलर कैसा होगा? अपर जीआई ब्लीड है तो कैसा होगा उसके स्टूल का कलर? है ब्लैक होगा, है ना, मलीना बोलेंगे. ठीक है, क्या होगा? ब्लैक कलर होगा. जो यदि ब्राइट ब्लीडिंग होती है, ब्राइट रेड कलर का, तो वो लोअर जीआई में होगी, अपर जीआई के अंदर वो नहीं है. पहली बात तो ये. देखते हैं आगे, व्हाट इज दी प्रायोरिटी एक्शन. कुछ नहीं बोला है, सीधा सीधा बोला है, एक पेशेंट इमरजेंसी में आया, 3 घंटे पहले से ही उसको अपर जीआई ब्लीड होने लगा है, आप प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रखेंगे? तो लगा लेते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरवेंशन होंगे, उनमें से प्रायोरिटी कौन सा है? ऑब्टेन वाइटल साइन, कि तुरंत मरीज के क्या करो, वाइटल साइन लो. ठीक है, आप जीआई ब्लीड कर रहे हैं तो चलो लिए जा सकते हैं वाइटल साइन, तो क्योंकि बीपी कम हो जाएगा, शॉक में गया तो और हार्ट रेट बढ़ जाएगी, है ना. यदि पेशेंट को रिस्क है, किस चीज में जा सकता है? शॉक में. तो क्या हो जाएगा, हार्ट रेट तो इंक्रीज हो जाएगी इसकी, और बीपी हो जाएगा इसका कम हो जाएगा. हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा. इंसर्टिंग ए एनजी ट्यूब. अब आपको पता है कि पहले से जीआई ब्लीड हो रहा है, यदि एनजी ट्यूब डालोगे तो वो मैकेनिकल फोर्स की वजह से और ब्लीड कर सकता है. ठीक है, तो ये हटा दो. आस्किंग द क्लाइंट अबाउट दी. अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि राइज ट्यूब डाल के ब्लीडिंग को निकाल लेंगे, वो अंदर रह जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीआई ब्लीड हो रहा है, समझ रहे हो बात? ठीक है, यदि ईसोफेगस वगैरह में से ब्लीडिंग रोकनी है तो फिर भी हम संगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब लगा सकते हैं, एनजी ट्यूब नहीं. आस्किंग दी क्लाइंट अबाउट प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स, की बताओ क्या घटना हुई होगी. ठीक है, वो बाद में देखेंगे, प्रायोरिटी पे क्या रखेंगे. कंप्लीटिंग दी एब्डोमिनल फिजिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, तो इसमें क्या रखेंगे, हम देखेंगे कि 3 घंटे से ब्लीड कर रहा है, कहीं उसको शॉक में तो नहीं जा रहा है, तो हम क्या करवा लेंगे, वाइटल साइन हम असेस कर लेंगे पेशेंट के. क्या कर लेंगे, वाइटल साइन असेस कर लेंगे. समझ में आया, यस और नो लिख के बताओ जल्दी से. नेक्स्ट, ये देखिए, ए क्लाइंट हु हैज एक्सपीरियंस्ड एंड एक्यूट किडनी इंजरी इज प्रेस्क्राइब्ड ए फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 1500 ml पर डे. फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन कितना, 1500 ml पर डे तक ही देना है भाई, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन पे है. ठीक है, विच इंटरवेंशन वुड द नर्स इंप्लीमेंट टू असिस्ट द क्लाइंट इन मेंटेनिंग दिस रेस्ट्रिक्शन. मतलब इनमें से कौन सा ऐसा इंप्लीमेंटेशन है या कौन सा ऐसा पॉइंट है जो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहा है, उसमें करना चाहिए ये सीधी सीधी सवाल पूछा. ठीक है, तो देखिए, है ना, क्या पूछा, विच इंटरवेंशन विल दी इंप्लीमेंट, हाँ, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करवा रहा है, ये कौन सा है. पहली बात, पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने, रिमूव दी वॉटर पिचर फ्रॉम दी बेड साइड. ठीक है, ऐसे पानी पीने का छोटा सा वो है, सिप 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 पी सकते हैं ऐसे, तो वॉटर पिचर को वहां से हटा देना चाहिए, बिल्कुल सही है, नहीं तो हम धीरे 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 दुनिया भर का पानी पी जाएंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा. ठीक है, तो इसको तो यहाँ से हटा देना चाहिए, है ना, तो रिमूव दी वॉटर, सही है ये, तो बेड साइड से हटा देना चाहिए. यूजिंग दी माउथ वॉश विद एल्कोहल एंड माउथ केयर. आपको पता है कि पहले से फ्लूड हम कौन सा कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन डाइट ले पे जा रहे हैं, फ्लूड रेस्ट्रिक्शन पे जा रहे हैं, और यदि एल्कोहल कंटेनिंग सॉल्यूशन से आप माउथ वॉश करोगे तो और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएगी. पहले से फ्लूड कम ले रहे हैं तो और ड्राई हो जाएगी. ठीक है, यहाँ तो हो सकता है थोड़े बहुत आइस चिप्स को मुंह के अंदर घुमाते तो फिर भी ठीक रहता. ठीक है, तो ये तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा जी. नेक्स्ट, प्रोहिबिटिंग बीवरेज विद शुगर टू मिनिमाइज दी थर्स्ट. ठीक है, प्रोहिबिटिंग बीवरेज विद शुगर टू मिनिमाइज दी, कि शुगर कंटेनिंग मतलब मीठी चीजें पेशेंट को नहीं खिलानी है.
ठीक है, इसमें ऐसे बोला है, ठीक, पेशेंट खुद के मतलब कि कोई भी बीवरेज ले सकते हैं, छोटा मोटा जूस पिए या जो भी पिए, वो 1500 ml से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ऐसे प्रोहिबिट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको एनकरेज भी कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद लिप बाम टू कीप लिप्स मॉइस्ट, बिल्कुल सही है, पेशेंट को ड्राइनेस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो लिप बाम उसको दिया जा सकता है कि लिप्स वगैरह जो ड्राइनेस ना हो, क्रैकल ना हो। नेक्स्ट, ऑफरिंग द क्लाइंट आइस चिप्स एट इंटरवेल्स ड्यूरिंग द डे, ऑफरिंग द क्लाइंट आइस चिप्स एट इंटरवेल ड्यूरिंग द डे, बताओ क्या कि आइस चिप्स दे दो, इससे ओरल कैविटी ड्राई नहीं होगी, तो बिल्कुल सही है। एक नंबर सही है, चार नंबर सही है और पांच नंबर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, हाँ जी, द नर्स हैज एडमिनिस्टर्ड अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ हाई क्लिंजिंग एनिमा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ ऑफ हाई क्लिंजिंग एनिमा हम पेशेंट को दे रहे हैं और आधा क्लिंजिंग एनिमा पेशेंट को दिया जा चुका है, ठीक है। हाफ हमने क्या कर दिया, पेशेंट को दे भी दिया है आधा, ठीक है, पेशेंट को ट्रांसफ्यूज वो एडमिनिस्टर भी कर दिया है। When client report pain and cramping, फिर पेशेंट को क्या हो गया, abdominal pain and cramping होने लग गया, which nursing action is appropriate, अब बताओ, बहुत अच्छा है और बहुत सोचने वाला क्वेश्चन ये आपके सामने है। ऑप्शन ए, reassuring the client that those sensation will subside, पेशेंट को बोल दो कि ये sensation अपने आप कम हो जाएंगे, ठीक है, जब तक हमें यह पता नहीं लगे कि ये नॉर्मल एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, जब तक ये क्लियरिफाई हो जाए तब तक हम ये एश्योर नहीं कर सकते, ठीक है, कि ये सबसाइड हो जाएंगे, तो ये तो फॉल्स रीएश्योरेंस जैसी बात हो गई, हटाओ इसको। डिसकंटिन्यूइंग द एनीमा एंड नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है, अभी ये भी बात नहीं हुई है कि एनीमा को तुरंत क्या कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो, ठीक है, ये भी बिल्कुल नहीं हुई है, क्यों, आपको पता है कि जैसे इंटेस्टाइन के अंदर कोई फ्लूड जा रहा है, यदि अचानक से आप कोई चीज डिसकंटिन्यू करते हैं तो वो फ्लूड वापस तुरंत आ जाएगा, तो क्या हो सकती है, जो इंटेस्टाइन वगैरह अचानक से कोलैप्स हो सकती है, एडहेशन भी उसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो फ्लूड दिया वो भी बाहर आ जाएगा, तो अचानक डिसकंटिन्यू भी नहीं कर सकते जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया भी नहीं, चिल्स विल्स दे देता, टेंडरनेस दे देता, तो हम कुछ सोचते। Raising the enema bag so that the solution can be introduced quickly. पहले से ही उसको पेन और क्रैम्प हो रहा है, यदि आप और एनिमा कैन के हाइट को बढ़ाओगे तो क्या होगा, और सोल्यूशन रेपिडली जाएगा और तेजी से ये चीज हो सकती है, तो क्या करें, क्लैंपिंग द ट्यूब फॉर 30 seconds एंड री स्टार्टिंग द फ्लो एट द स्लोअर रेट, ये ही सही है, ठीक है, 30 seconds के लिए उसको बंद करके रखो, ठीक है, पता लग जाएगा, यदि इसकी वजह से हुआ तो तुरंत ही पेशेंट को हो जाएगा, सबसाइड होने लगेगा, एक लोअर रेट पे, स्लोअर रेट पे हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। ये ऑप्शन नहीं होगा तो क्या होगा, डिक्रीज द हाइट ऑफ एनिमा कैन, ऐसे हाइट होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें, फोर्थ आपके करेक्ट आंसर होगा। यदि ए ऑप्शन किया तो क्या हो जाएगा, सॉरी ए नहीं, बी ऑप्शन किया तो इंटेस्टाइनल स्पाज्म हो सकता है ना अचानक। नेक्स्ट, द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद द क्रोनिक किडनी डिजीज इज शेड्यूल्ड फॉर हीमोडायलिसिस, क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट क्या है उसको हीमोडायलिसिस। When should the nurse plan to administer the client's daily dose of enalapril to ensure the effectiveness? ठीक है, पता है पेशेंट को क्या हुआ है कि पेशेंट को क्या होना है, हीमोडायलिसिस होना है। एनलप्रिल कैप्टोप्रिल क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो ये कब देनी चाहिए, टू एंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस, कि इसका इफेक्टिवनेस भी आना चाहिए, इफेक्ट भी आना चाहिए, तो कब देनी चाहिए। पहली बात तो डायलिसिस से पहले केवल हिपेरिन देते हैं, और कोई ड्रग देने का फायदा नहीं है, ठीक है, डायलिसिस से पहले ड्रग दिया तो वो डायलिसिस फ्लूड जो बाहर जाएगा ना उसमें निकल जाएगी वो ड्रग फिल्टर होके, समझ रहे हो बात, किडनी की तरह ही काम कर रहा हो, ठीक है, तो कब देना चाहिए, डायलिसिस के बाद देनी चाहिए यदि देना है तो, अपॉन रिटर्न फ्रॉम द डायलिसिस, ठीक है,
तो ये आपके सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 258 पे आ जाओ। द क्लाइंट स्टेट दैट ही हैज स्मोक्ड 3/4 ऑफ पैक पर डे सिगरेट फॉर लास्ट 10 ईयर। द नर्स कैलकुलेट द क्लाइंट हैज स्मोकिंग हिस्ट्री ऑफ हाउ मेनी पैक पर ईयर, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, यदि सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री कैलकुलेट करने को बोलता है ना, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना, कितने पैक्स पर ईयर कैलकुलेट करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कि पैक पर डे जो जितने भी पी रहा है उसको नंबर ऑफ ईयर से काउंट कर दोगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से। तो ये कितने पी रहा है, 3/4 पैक पर डे, 3/4 पैक मतलब 3/4 पैक पर डे, कितने साल से पी रहा है, 10 साल से पी रहा है, तो इनटू 10, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है, फिर 2 + 0, 4 × 5 = 20, ठीक है, तो कितना आया, कर लो इसको मल्टीप्लाई, 7.5 पैक्स पर ईयर, इतना ही आ रहा है क्या, 7.5 पैक्स पर ईयर, सही आंसर, ठीक है, डी आपके करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 259, क्या, दी नर्स इज प्रिपेयरिंग टू प्रोवाइड पोस्ट सर्जिकल केयर फॉर क्लाइंट आफ्टर ए सब टोटल थायरॉयडेक्टमी, दी नर्स एंटीसिपेट दी नीड फॉर विच आइटम टू बी प्लेस्ड एट बेड साइड टू मिनिमाइज दी क्लाइंट रिस्क फॉर इंजरी। सोचो क्या हुआ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रिवर्ड करो क्वेश्चन को, क्या बोला है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू प्रोवाइड पोस्ट सर्जिकल केयर फॉर ए क्लाइंट आफ्टर सब टोटल थायरॉयडेक्टमी, ठीक है, सब टोटल थायरॉयडेक्टमी, कुछ पार्ट हम किसका हटा रहे, थायरॉयडेक्टमी, तो इनमें से क्या चीज ऐसी बेड साइड रखेंगे कि मरीज को कोई इंजरी ना हो, ठीक है, पहला हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट ये रखेंगे, ठीक, हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट रखेंगे, आपको पता है कि सब टोटल थायरॉयडेक्टमी किया, ठीक है, तो हाइपोथर्मिक मतलब ठंडे करने वाले ब्लैंकेट क्यों रखेंगे, रखेंगे तो वार्म ब्लैंकेट रखेंगे, क्योंकि हाइपोथर्मिया हो जाएगा अधमार के भाई, थायरॉयड कम होगा, तो यही तो हो सकता है ना, इमरजेंसी ट्रेकेस्टमी किट क्या ये रख सकते हैं कि भाई सब थायरॉयडेक्टमी यदि हमने किया तो यहाँ पे रिस्क है कि पैराथायरॉयड भी निकल सकती है, और पैराथायरॉयड निकल गई तो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, और हाइपोकैल्सीमिया हुआ तो टिटेनिया स्ट्राइडर डेवलप हो सकता है, और स्ट्राइडर डेवलप हुआ तो इमरजेंसी है, एक तरह की हमें ट्रेकिस्टमी करना पड़ सकता है, तो ये और भी जरूरी होगी। मैग्नीशियम सल्फेट इन रेजी टू इंजेक्ट वाइल, मैग्नीशियम की कमी इससे नहीं होगी, ठीक है, एम्प्यूल ऑफ सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द पोटेशियम, इसकी भी कमी नहीं होगी, ठीक है, आपको कौन सा बी करेक्ट आपके आंसर है, क्योंकि ड्यू टू रिस्क ऑफ हाइपोकैल्सीमिया इंड्यूस्ड स्ट्राइडर, ये आपके सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 260, व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद द माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या है, एसिटाइल कोलिन कम है, ठीक है भाई, मान लो ये सेल है, ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन जब यूज कर रही है ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, है ना, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ये इसका अपटेक, सेलुलर अपटेक को इंक्रीज करता है, मतलब एसिटाइल कोलिन एस्टरेज यदि एंजाइम है तो वो क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन का यूज जल्दी करा देता है, तो फिर उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अब हम यदि इसके इनहिबिटर दे दे तो एसिटाइल कोलिन खूब अवेलेबल होगा, मसल को कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करेगा, ये सारी चीजें होने लगेगी, इतनी सी थ्योरी, ठीक है। अब देखते हैं क्या माइस्थेनिया ग्रेविस से एसिटाइल कोलिन कमी है, मसल वीकनेस होगी सारी की सारी, ठीक, द नर्स शुड बी अलर्ट फॉर विच मैनिफेस्टेशन ऑफ माइस्थेनिया क्राइसिस, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, कि इनमें से कौन सा माइस्थेनिया क्राइसिस का साइन सिम्टम हो सकता है, ठीक है, माइस्थेनिया क्राइसिस में और माइस्थेनिया में क्या फर्क है,
सीवियरिटी का फर्क है और कुछ नहीं। अचानक से एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी कम हो गई, इसका मतलब क्या कि माइस्थेनिया क्राइसिस पेशेंट को हो रहा है। तो इनमें से कौन सा ये चीज बता रहा है कि पेशेंट को माइस्थेनिया क्राइसिस होने वाला है या प्रेजेंट है? पहली बात, ठीक है, पहली बात क्या इसके अंदर क्या चीज है? हाँ जी, स्मूथ मसल भी कम काम करेगी, स्केलेटल मसल भी कम काम करेगी। पहला दिया इन्होंने ब्रैडीकार्डिया, पहला ये सच एस दिया, पूछो मत बात। स्मूथ मसल कम काम करेगी, वेसल्स का भी कॉन्स्ट्रक्ट कम होगा, ब्लड भी कम आएगा, वीनस रिटर्न भी कम आएगा, तो ब्लड प्रेशर डाउन होगा। ब्लड प्रेशर क्या होगा? डाउन होगा। और ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से हाइपोक्सिया भी होने लगेगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी डेप्थ भी कम होगी, हाइपोक्सिया भी होगा, बीपी डाउन होगा, तो हार्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है, पहली चीज। इसलिए ए आपके माइस्थेनिया क्राइसिस का साइन नहीं है, समझ गए बात को। यहाँ पे टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, पहली बात तो ये साइन नहीं है, ठीक। दूसरी बात, इंक्रीज्ड डायफोरेसिस, ठीक है, हाँ ये आपके साइन हो सकता है, इंक्रीज डायफोरेसिस वैसे भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, ठीक है, कुछ इसके, क्योंकि देखो जब भी पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा, रेस्टलेसनेस होगी, डायफोरेसिस डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। डिक्रीज लैक्रिमेशन, ठीक है, डिक्रीज लैक्रिमेशन कि सेलाइवेशन या लैक्रिमेशन ऐसी चीजें कम होगी माइस्थेनिया क्राइसिस के अंदर, ठीक है, क्या होगा, बाउल ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा, है ना, और डायफोरेसिस ज्यादा होगा, सिक्रेशंस तो ज्यादा ही होंगे, ठीक। तो लैक्रिमेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, रेस्टलेस होगा। मैं आपको यहाँ पे अलग से साइन एंड सिम्टम लिखवा देता हूं ना, आप लिख ही लो कि क्या क्या होगा, ठीक है। डायफोरेसिस होगा, दूसरा पॉइंट लिखो, बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, क्योंकि मसल काम नहीं कर रही, स्पिंक्टर काम नहीं करेगा, ब्लैडर एंड बाउल इनकॉन्टिनेंस, बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, ठीक। और क्या होगा, एब्सेंट कफ एंड स्वेलो रिफ्लेक्स, एब्सेंट कफ, मसल वीक, ये ध्यान रखो, कफ एंड स्वेलो रिफ्लेक्स, एब्सेंट कफ एंड स्वेलो रिफ्लेक्स, सडनली डिक्रीज इन बीपी, इंड्यूस्ड हाइपोक्सिया, ठीक है, हार्ट रेट आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, काम नहीं करेगी ना मसल्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो फिर होगा साइनोसिस, इंक्रीज सीक्रेशन, लैक्रिमेशन, ज्यादा आंसू आएंगे, इंक्रीज सीक्रेशन, लैक्रिमेशन, ये होगा। और लिखो, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। एक चीज और लिख दो, सॉरी, हाँ जी, एक और लिख दो, क्या, डिसआर्थ्रिया, ठीक है, ये इतनी सारी चीजें देखने को मिल सकती है। समझ गए? अब इसमें से सोच लो कौन कौन से आंसर है, तो दो नंबर आंसर है, चार नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है, पांच नंबर आंसर होगा और छह नंबर आंसर। अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, उतार लिया होगा ना, 261, देखो, the nurse is encouraging the client to cough and deep breathe, किसके लिए वो कर रहे हैं, cough and deep breathe, after cardiac surgery, cardiac surgery के बाद में, coughing and deep breathing के लिए advice कर रहे हैं, the nurse ensure that which item is available to maximize the effectiveness of this procedure, ठीक है, बताओ, कि कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को या कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जरूरी है या नीडेड है, कौन सा जरूरी है या नीडेड है। कार्डियक सर्जरी भी पेशेंट की हुई है, ठीक है, कि नेबुलाइजर, एम्बो बैग, सक्शन इक्विपमेंट या इंसीजनल
स्प्लिंटिंग पिलो। क्या लग रहा है भाई? कार्डियक सर्जरी हुई है, ठीक है, मान लो ओपन हार्ट हुआ होगा या जो भी है, तो पेशेंट जब डीप ब्रीथिंग कफिंग करेगा तो पेन होगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए किसी चीज से सपोर्ट कर लेंगे, फिर हम कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं सपोर्ट देने, इनसीजनल पेन नहीं हो। इसलिए कौन सा सही है? आपके डी आपके करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट भी लगा देना इसके, इजीली हो जाएगी कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग इससे। नेक्स्ट चलें आगे। नेक्स्ट 262, द नर्स प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर एन इंटरमिटेंट ट्यूब फीडिंग थ्रू द एनजी ट्यूब, इंटरमिटेंट ट्यूब फीडिंग थ्रू द एनजी ट्यूब, असेस फॉर रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? मतलब कितना बचा हुआ है जी आई, मतलब स्टमक के अंदर। इंटरमिटेंट ट्यूब फीडिंग मतलब बोलस फीडिंग की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू द रिजल्टिंग डेटा असिस्ट इन एश्योरिंग द क्लाइंट सेफ्टी, ठीक है, कि इनमें से कौन सी चीज पेशेंट की सेफ्टी के लिए जरूरी है, इसमें ये फीडिंग दे रहे पेशेंट, देख लेते हैं। कन्फर्म प्रॉपर एनजी ट्यूब प्लेसमेंट, हमें क्या असेस करना है? रेजिड्यूअल वॉल्यूम। रेजिड्यूअल वॉल्यूम असेस करने के लिए कि ट्यूब प्लेसमेंट होना जरूरी है, कि पहले कंफर्म करेंगे कि ट्यूब का प्लेसमेंट है या नहीं है। क्या असेस करने के लिए? रेजिड्यूअल वॉल्यूम असेस करने के लिए। कंफर्म कब करते हैं ट्यूब? जब हमें क्या करना हो, पहले फीड देना हो तो हम कंफर्म करते हैं। इसमें तो एस्पिरेट करके देख लेंगे, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो पता लग जाए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं रहा है ना, ठीक है। डिटरमाइनिंग द क्लाइंट न्यूट्रिशनल स्टेटस, इससे भी कोई बड़ी इंजरी वो नहीं हो रही। इवेलुएट द एडिक्वेसी ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ठीक है, कि हम क्या रेजिड्यूअल वॉल्यूम असेस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता लग जाए कि टाइम टू टाइम गैस्ट्रिक एम्प्टी हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये तो ठीक लग रहा है। बस भाई इससे यही तो पता लगता है कि खाना पचा या नहीं पचा, ठीक है, मतलब गैस्ट्रिक एम्प्टी हुई या नहीं हुई। एस्पिरेशन का रिस्क हो जाएगा नहीं तो, तो उससे बच जाएगा, है ना। असेस द क्लाइंट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस, ये तो पता नहीं लग रहा, तो करेक्ट आपका सी आंसर है। कौन सा है? सी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट शेड्यूल टू अंडरगो ए रीनल बायोप्सी, शेड्यूल टू अंडरगो ए रीनल बायोप्सी, ध्यान से समझो क्या हो रहा है, रीनल बायोप्सी होना है। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, कि ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन, वैसे क्या हो सकता है रीनल बायोप्सी में? दो ही चीज हो सकती है, एक तो ब्लीडिंग हो सकती है, हाईली वेस्कुलर रीनल आर्टरी वहीं से जा रही, और मेडुला फूटा एड्रिनल ग्लैंड का, तो आप बीपी बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रीनल के ऊपर ही एड्रिनल है, ये दो चीजें हो सकती है, ठीक है। The nurse report which laboratory result the primary health care provider before the procedure, कि इनमें से ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो कॉम्प्लिकेशन को ज्यादा कर सकती है, तो हमें तुरंत बताना है। अब नॉर्मल फाइंडिंग कौन सी है ये आपको बताना है। पहला, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 15 सेकेंड, कि पीटी कितना है 15 सेकेंड, नॉर्मल कितना होना चाहिए पीटी, 11 से 12 13 सेकेंड तक मान सकते हैं ना, तो ये तो बड़ा हुआ है, मतलब ये तो ब्लीडिंग की रिस्क करा रहा है, तो इसी में हम मरीज को बता दें, ठीक है। पोटेशियम 3.8 नॉर्मल है, सीरम क्रेटिनिन नॉर्मल है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नॉर्मल है, तो इसी में बता देंगे, क्योंकि रिस्क ऑफ ब्लीडिंग वैसे भी है और इसको पीटी की दिक्कत है, बड़ा हुआ है, ठीक है। ए आपका आंसर हो गया। A क्लाइंट हु सर्वाइव्ड ए हाउस फायर इज एक्सपीरियंसिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अच्छा घर में आग लग गई थी बट मरीज को क्या हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, एंड एन इनहेलेशन इंजरी इज सस्पेक्टेड, ऐसा लग रहा है कि धुआं वगैरह उसके अंदर चला गया होगा, मतलब किसकी बात करना चाह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की बात करना चाह रहा है ना। वट शुड द नर्स मोनिटर टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कि कैसे पता करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इसको है या नहीं है? भाई हम कल से पढ़ाए और हमने देखा था कि 5 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल 5% से कम है तो हम मान लेंगे कि कोई पॉइजनिंग नहीं है, ठीक है। तो पल्स ऑक्सीमेट्री से पता लग जाएगा कि नहीं लगेगा, यूरिन मायोग्लोबिन से नहीं लगेगा, स्पूटम से नहीं लगेगा, सबसे अच्छा किससे लगेगा,
सीरम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल से, ठीक है। इसमें SpO2 से रिन से पता नहीं लगेगा, ठीक है। टू सिक्स फाइव की तरफ चलते हैं। The nurse is assigned to care for a client experiencing hypertonic labor contraction. क्या hypertonic labor contraction? मतलब बहुत ज्यादा hypertonic labor contraction हो रहे। The nurse plan to conserve the client's energy and promote rest by performing which of following intervention? ऐसा intervention बताओ जिससे patient की energy को हम save कर रहे हैं और उसको rest provide करा रहे, क्योंकि लेबर बहुत हाइपरटोनिक पहले से पेशेंट को है। ऐसा कोई चीज इसके अंदर आपको बताना है, ठीक है। पहली बात, कीपिंग द टीवी एंड रेडियो ऑन दी ऑन टू प्रोवाइड डिस्ट्रैक्शन, कि रेडियो और टीवी चला दो इससे भी उसको रेस्ट तो नहीं मिले। असिस्टिंग द क्लाइंट विद ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, कि उसको बोलेंगे कि आप डीप ब्रीदिंग करो तो ये तो सही है, इससे ऑक्सीजन भी ज्यादा चल जाएगी, थोड़ा रेस्टिंग भी मिले। कीपिंग द रूम ब्राइटली लाइट, इससे तो और स्ट्रेस होगा। अवॉइड अनकंफर्टेबल प्रोसीजर सच एज आईवी इन्फ्यूजन, और जो भी दे रखा है देख लेते हैं क्या दे रखा है। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, ये एपिड्यूरल एनेस्थेसिया वगैरह तो देना है, ठीक है, तब जाके हो सकता है वो और रिलैक्स हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सेकेंड, ठीक है, बी आपके करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, A client diagnosed with the acute pyelonephritis. Pyelonephritis हुआ है patient को, ठीक है, आगे देखते हैं। Is scheduled for an IV pyelogram. Pyelogram क्या है? Radiological examination है, ठीक है, आगे। During report the nurse learned that the client vomited several times during the night and continued to report being nauseated. ठीक, कई बार उसने उल्टी भी कर दी है रात से और अभी भी नोजिया हो रहा है, ठीक है। What intervention should the nurse implement to assure the client safety regarding the scheduled procedure? हम क्या करेंगे मरीज का? Pyelogram, IV pyelogram, ठीक है। आपको पता है इसमें डाई देनी पड़ेगी और डाई किडनी से ही बाहर आने वाली है, और मरीज उल्टी कर रहा है, डिहाइड्रेशन केस हो रहा है, तो फ्लूड देना पड़ेगा इसको, नहीं तो फिर ये रीनल शटडाउन में चला जाएगा, बाद में किडनी वैसे ही इंजरी होने, तो क्या करें? कैंसल द पाइलोग्राम, नहीं। मॉनिटर द क्लाइंट क्लोजली फॉर एनी एडिशनल वोमिटिंग, ठीक है, अब खूब वॉमिटिंग तो कर ही लिया, अब तो फ्लूड ही देना पड़ेगा। मेडिकेशन दी क्लाइंट स्टार्टिंग ऑर्डर फॉर द मेटोक्लोप्रोमाइड, ये दे दो। रिक्वेस्ट प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द 0.9% आईवी इन्फ्यूजन, है ना, डॉक्टर से बोल के हम फ्लूड चलवा लेंगे उसको, सही है बात। एनपीओ होगा ये पेशेंट तो वैसे वो नहीं कर पाएंगे ना, तो फ्लूड चलवाएंगे। कौन सा? 266 में डी। नेक्स्ट 267, The nurse is planning care for client who is experienced a T3 spinal cord injury. कहाँ पे हुआ है? T3 level पे. The nurse should include which intervention in the plan of care to prevent autonomic dysreflexia or hyperreflexia. Autonomic dysreflexia दो main वजह से हो सकता है, ठीक है, या किस किस वजह से हो सकता है वो वजह लिख लो, ठीक है, किस किस वजह से ट्रिगर हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ठीक है, किस किस की वजह से हो सकता है? बाउल एंड ब्लैडर डिस्टेंशन, बाउल एंड ब्लैडर डिस्टेंशन, बाउल एंड ब्लैडर डिस्टेंशन, ठीक है, विसरल डिस्टेंशन, विसरल डिस्टेंशन कैसे हो सकता है? जैसे हमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया हो, स्टमक डिस्टेंड हो गया, ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ जो विसरल लेयर है ना वो खिंच जाए, उसमें डिस्टेंशन हो जाए, इस वजह से हो सकता है। और कैसे हो सकता है? स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर इन स्किन, स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर इन स्किन, स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर इन स्किन, समझ गए बात को?
तो ये चीज अब इनमें से कौन सा आंसर सोचो 267 के अंदर, असिस्ट द क्लाइंट टू डेवलप ए डेली बाउल रूटीन टू प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन, सही है बात, ठीक है, बाकी तो और आपको पता है कि इतना कोई पंगा नहीं है। नेक्स्ट सोचना, द नर्स मॉनिटर ए क्लाइंट प्रेस्क्राइब्ड थियाजाइड डायूरेटिक, क्या चल रहा है मरीज को, थियाजाइड डायूरेटिक। नेक्स्ट, फॉर विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोकैलेमिया क्लाइंट, सॉरी हाइपोकैलेमिया, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब हाइपोकैलेमिया के इनमें से कौन सा साइन है ये पूछे है ना, ठीक है, तो बताओ कौन सा साइन है। एक बार ये चीज समझ गए ना क्या पूछा है, फिर दिक्कत नहीं आएगी। मसल ट्विचिंग, देखो मसल वीकनेस मेनली देखने को मिलती है ना, ठीक है, ट्विचिंग भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, बट इसमें तो नहीं माना है, ठीक है, मेनली मसल वीकनेस देखने को मिलती है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स, हाइपो रिफ्लेक्स या डेफिनेटली देखने को मिले, सारी मसल वीक हो जाएगी, ठीक है। और क्या देखने को, प्रोमिनेंट यू वेव ऑन ईसीजी, यस। जनरल स्केलेटल वीकनेस, यस। हाइपो एक्टिव एब्सेंट बाउल साउंड, यस, क्योंकि पैरालिटिक इलियस देखने को मिलता है। टॉल टी वेव, ये भी देखने को मिलेगी, है ना, सब भी देखने को मिलेगी, ठीक है। ईसीजी के अंदर लिख लो क्या क्या ईसीजी चेंजेज होती है हाइपोकैलेमिया में, यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, एसटी डिप्रेशन, इन्वर्टेड टी वेव, इन्वर्टेड टी वेव, प्रोमिनेंट यू वेव, प्रोमिनेंट यू वेव, नेक्स्ट हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक, इतनी सारी चीजें हो सकती, और हाइपोरिक्स रिफ्लेक्सिया, बाउल साउंड कम, इनइफेक्टिव रेस्पिरेशन, ठीक है, डिमिनिट ब्रीज साउंड, पोली यूरिया भी एक इसका साइन, इंपॉर्टेंट करके लिखो पोली यूरिया, पे यूरिन कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट 269 पे आ जाओ भाई, ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद द लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन हैज जस्ट बीन एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट, क्या हो रहा है मरीज को, लेफ्ट साइड का प्लूरल इफ्यूजन हुआ है, वो ट्रीटमेंट के लिए रखा हुआ, द नर्स शुड प्लान टू हैव विच प्रोसीजर ट्रे अवेलेबल फॉर यूज टू बेड साइड, प्लूरल इफ्यूजन पेशेंट को है तो इस मरीज को ट्रीटमेंट जो भी करना है उसमें क्या बेड साइड रखेंगे, भाई प्लूरल इफ्यूजन है तो क्या करेंगे, टैप करेंगे उसको, थोड़ा सिंथेसिस करना पड़ेगा, ठीक है, तो इंट्यूबेशन ट्रे रखने का कोई फायदा नहीं है, या तो आईसीडी रखेंगे या थोड़ा सिंथेसिस रखेंगे, ये है ना, थोड़ा सिंथेसिस रखेंगे तो यही रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा, सेंट्रल लाइन की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ए क्लाइंट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड प्रोकेनामाइड, द नर्स इंप्लीमेंट विच इंटरवेंशन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन टू मिनिमाइज द रिस्क फॉर इंजरी, ठीक है, ये है क्या बीमारी, एंटी डिसअरिथमिक मेडिकेशन है, एंटी डिसअरिथमिया में देते हैं, एंटी डिसअरिथमेटिक ड्रग है, ठीक है, तो बताइए, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन मिनिमाइज द रिस्क फॉर इंजरी, इनमें से क्या चीज करें जो रिस्क इंजरी की कम है, देखो एंटी डिसअरिथमिक जब भी मेडिकेशन हम देंगे, ठीक है, तो अचानक से क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर वगैरह हार्ट रेट के अंदर चेंजेज आ सकते हैं, तो हम बीपी और पल्स उसकी पहले ही देख लेंगे, समझ गए बात को। नेक्स्ट, हाँ, ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद द यूरोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस क्या है, ब्लैडर के अंदर क्या है, स्टोन, ठीक है, हैव बीन इवेलुएटेड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ कैलकुलाई दैट आर प्रेजेंट, द नर्स शुड प्लान टू कीप विच आइटम अवेलेबल इन द क्लाइंट रूम टू असिस्ट दिस प्रोसेस, ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि किस टाइप की स्टोन है, ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर की स्टोन है तो यूरिन से बाहर आ सकती है, तो कैसे पता लगाएंगे, इससे पता नहीं लगे, इससे भी नहीं लगेगा,
यूरिन स्ट्रेनर है ना, छानने का वो रख सकते हैं, इससे कुछ स्टोन के टुकड़े आएंगे तो हमें पता लग जाएगा, फिर उससे हम असेस कर सकते हैं ना लेबोरेटरी के अंदर ले जाए। तो करेक्ट आंसर ए। हाँ, द नर्स प्रोवाइड डाइटरी इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट हु नीड टू लिमिट इनटेक ऑफ सोडियम। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट विच फूड आइटम मस्ट बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ देयर हाई सोडियम कंटेंट। बताओ इनमें से कौन सा हाई सोडियम कंटेंट वाला फ्लूड है जिसको अवॉइड करना है, यही पूछा है ना, हाई सोडियम कौन सा है जिसको अवॉइड करना है। ठीक है, ऑप्शन ए हैम, ठीक है बीफ वगैरह के अंदर तो होता ही, नॉन वेज जितने भी डाइट, और कोई ऐसी चीज जो पैक्ड हो, ये सोया सॉस इसके अंदर भी हो सकता है। एक नंबर और चार नंबर आंसर, पैक्ड क्योर्ड सॉस चीज टेबल इनमें सब में, प्रिजर्वेटिव जिनमें मिले हुए इन सब में हाई सॉल्ट होता है। नेक्स्ट 273, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए क्लाइंट पोस्ट थायराइड पोस्ट यूरेट्रो पोस्ट यूरेट्रो लिथोटोमी। यूरेटर के अंदर से स्टोन को रिमूव किया है, समझ गए, उसके बाद की बात कर, हु हैज यूरेट्रल कैथेटर इन प्लेस। ठीक है, यूरेटर के अंदर स्टोन था, वहां से स्टोन को रिमूव किया है, तो वहां पे जो भी सर्जरी की है वहां पे एक कैथेटर हमने डाल दिया। क्यों डाल रहे हैं, ड्रेन करने के लिए डालेंगे जो ब्लीड वगैरह होगा। द नर्स शुड प्लान टू इंप्लीमेंट विच एक्शन इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस कैथेटर When the client arrive from the recovery room, कि जैसे ही operation से बाहर आए तो इनमें से कौन सा हम वो करेंगे, manage करेंगे या कौन सी चीज implement करेंगे। ठीक है, अब ureter के अंदर stone था, वो निकाला है, वहां पे stent भी हमने डाल दिया drain करने के लिए, तो क्या करें, clamp the catheter, अरे नहीं इससे तो drainage करना है, clamp क्यों करेंगे, place the tension on the catheter, ये भी नहीं। ठीक है, तो क्या place the drainage from the catheter, yes चेक द ड्रेनेज फ्रॉम द, हाँ होते रहना चाहिए। इरीगेट द कैथेटर यूजिंग 10 ml स्टेराइल नॉर्मल सेल, इरीगेट भी किया जा सकता है बट 10 ml से नहीं, ठीक है 3 to 5 ml से, ठीक है इरीगेट करना होगा, नहीं आ रहा होगा तो 3 to 5 ml से। मैक्सिमम है 3 to 5, ठीक है नेक्स्ट। In preparation to administer an intermittent tube feeding, the nurse aspirate 40 ml of undigested formula from the client's nasogastric tube. Which intervention should the nurse implement as a result of this finding? बताओ, एक formula feed दे रहे हैं, 40 ml अभी बच रहा है, ठीक है तो हम क्या करेंगे ऐसी condition में, ठीक है 40 ml बच रहा है तो क्या करेंगे बताओ, 100 ml से कम बच रहा है तो वापस रीइंस्टिल कर देंगे, 100 से ज्यादा बच रहा है तो नेक्स्ट फीड को स्किप कर देंगे। ठीक है, तो बताओ, डिस्कार्ड द एस्पिरेट, नहीं, मिक्स द न्यू फॉर्मूला, ठीक टू एडमिनिस्टर, नहीं पहले इसको देंगे, डाइल्यूट द वॉटर एंड इंजेक्ट द रीइंस्टिल द एस्पिरेट थ्रू द एनजी ट्यूब वाया द ग्रेविटी एंड सिरिंज। सही है, तो डी आपके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 2, एश्योर द डिजायर्ड रिजल्ट, हाउ शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट प्रेस्क्राइब्ड ओरल विस्कोडाइल टू टेक द मेडिकेशन। ये लेक्सेटिव है, क्या है लेक्सेटिव, तो सोचो लेक्सेटिव कब देना चाहिए ये बोल रहा है, एश्योर द डिजायर्ड रिजल्ट मिले, लेक्सेटिव का मतलब क्या होता है, जल्दी से बाउल मूवमेंट इंक्रीज हो जाए उसके लिए, तो कब, एट बेड टाइम, तो सुबह मूवमेंट होगा, विद द लार्ज मील, विद द ग्लास ऑफ मिल्क, एम्प्टी स्टमक, तो सबसे बढ़िया रिजल्ट कब आएगा, जब ये एम्प्टी स्टमक हो, बेड टाइम नहीं, मोस्ट रैपिड इफेक्ट कब आएगा, जब ये
एम्प्टी स्टमक देंगे। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आए होंगे। अब कुछ प्रमोशनल चीजें, इसके बाद वीडियो के बाद आपके लिए एक संदेश, ठीक है। ध्यान से देखिए ये दोनों पोस्टर्स को, ये रिसेंट नॉरसेट के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अभी हम जो अच्छे रैंक है हमारे यहाँ से उन्हीं बच्चों का पब्लिश कर रहे हैं, धीरे धीरे एम्स अलॉट होने के बाद सभी का भी पब्लिश करेंगे, ठीक है। अग्रिमा 56 रैंक लेके आके TSL टॉपर लिस्ट में, हमारे कोचिंग से टॉपर्स में है, ठीक है। और नॉरसेट 5 का रिजल्ट है, मेन का रिजल्ट है, बैच 9 के स्टूडेंट है और ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट है। इधर की बात करें तो प्रियंका सैनी 89 रैंक के साथ है, बैच 10 के स्टूडेंट है, ऑनलाइन स्टूडेंट है ना, नॉरसेट 5 के अंदर। तो दोनों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, और भी बच्चों को बधाई, और भी कोचिंग के बच्चों को भी बधाई जिन्होंने वो चीज लेके आए। दूसरी स्लाइड पे हमारे पास है, ठीक है, परनीत कौर 419 रैंक लेके आए हैं, थर्ड या फोर्थ सिलेक्शन है इनका, बैच नंबर 16 के स्टूडेंट है, बैच नंबर 3 के भी ये स्टूडेंट रहे थे, ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट है, ठीक है, 419, इनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट है दीक्षा शर्मा, 502 रैंक के साथ, रोल नंबर इतना है, ये भी नॉरसेट 5 के लिए है, बैच नंबर 22 के, ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट है, तो इनको भी बहुत बहुत बधाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और, हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे साथ अर्चना, नेक्स्ट रैंक है अर्चना, और अर्चना की रैंक है 214। अर्चना का अभी पहले से भी सिलेक्शन हुआ है जम्बू एम्स में, बैच 16 के स्टूडेंट है, ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट है, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, 214 रैंक ये लेके आए हैं, ठीक। इधर की मैं बात करूं तो मोनिका भी हमारे बैच 9 के स्टूडेंट है, ऑनलाइन बैच के 756 स्टूडेंट रैंक ये लेके आए हैं नॉरसेट के अंदर, ठीक है। देखिए वो बोलते हैं हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट जरूर कम रखते हैं, मतलब हम ऐसे 20-30 का ही बैच चलाते हैं, है ना, और ऑनलाइन में भी 100 का ही चलाते हैं, और 5-7 बैच जितने भी होते हैं साल भर में इतने बच्चे निकालते हैं, तो उसके हिसाब से सिलेक्शन बहुत है, ठीक है। विनोद पूनिया जी का भी सिलेक्शन हो चुका है TSL के अंदर, और बहुत खुशी की भी बात है कि 1270 रैंक ये लेके आए हैं, ठीक है, और बैच 9 ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट है। देखो बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, अब धीरे धीरे इनका भी हुआ है, तो कंसिस्टेंट मेहनत करेंगे तो एक दिन आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू वर्षा, 1024 रैंक, बैच 22 ऑनलाइन बैच स्टूडेंट, ठीक है। और जो और रैंक के थोड़ी दूर हैं, वो बच्चे थोड़े से डरे हुए हैं कि होगा नहीं होगा जो भी है, तो उनको भी धीरे धीरे प्लेस किया जाएगा, और जैसे ही एम्स का रिजल्ट आ जाए, एक बार कौन सा एम्स अलॉट हुआ है, तो पूरी लिस्ट भी आपको पब्लिश कर दी जाएगी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ KGMU लखनऊ की, बहुत अच्छा एग्जाम आपके हाथ में है अगले नॉरसेट से पहले, ठीक है। उसके अंदर आपको पता है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के, जिसमें से 40 नॉन नर्सिंग के और 60 नर्सिंग के। तो इस नॉन नर्सिंग को ध्यान में रखते हुए हमने नॉन नर्सिंग स्पेशल सीरीज एक चलाई, जिसमें नॉन नर्सिंग पार्ट मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश का ये किया है, और ऑनलाइन टेस्ट 15 ऑनलाइन टेस्ट ये सब मिलके 6 महीने की वैलिडिटी के साथ हमने दिया है 999 रुपए के अंदर। स्टूडेंट चाहे तो इसको परचेज कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ TSL मोबाइल एप्लीकेशन का, वहां से स्टोर में जाके, ठीक है। और काम की चीज की मैं बात करूं तो ठीक है, स्लाइड आज यही बंद हो गई, ठीक, तो दोबारा निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं स्लाइड को। हाँ ध्यान से समझिएगा, ये TSL की तरफ से MCQ बैच है, इसको स्पेशली सुनिएगा, हल्के में नहीं लेना है इसको, ठीक है। TSL की तरफ से MCQ बैच है, TSL वाले स्टूडेंट जरूर सुनो, आपके सिलेक्शन को कहीं ना कहीं एंश्योर करने वाला बैच, नॉरसेट 6 और 7 दोनों के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। 6 महीने की प्लानिंग के साथ हम लेके आए हैं ये, जिसमें क्या है, आप और हम जैसे सवाल कर रहे हैं ऐसे 4 टीचर सॉल्व करवाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, 7000 मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन हम सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है, जो 70 टेस्ट के में बन के आएंगे और एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, 7000 हो गए। शुरुआत के 5 महीने पर वीक 2 टेस्ट आएंगे, तो इसमें क्या होगा कि टेस्ट आपने दे लिया, उसके नीचे ही वीडियो लिंक होंगे इनके, है ना, तो आप वहां से तुरंत देख सकते हो, टेस्ट देके रिकॉर्डेड होगा, ठीक है।
डेली, फिर सिक्स महीने में डेली एक एक टेस्ट आएगा, ऐसे करके 70 टेस्ट पूरे किए जाएंगे फैकल्टी में, तरुण तरुण सैनी, मालव सर, माई सर और मैथ वाले अक्षय सर, ये चार फैकल्टीज इसके अंदर होंगी, क्वेश्चन आंसर बैच। तो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह की, इनकी क्रैश कोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सब कुछ आपकी चीजों को वो कर देगा। टीएसएल वाले इसको छोड़ना नहीं है, 20 अक्टूबर से ये शुरू होने वाला है, ठीक है, तो उससे पहले ही इसको ग्रैब कर लेना, अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास है रिकॉर्डेड बैच नॉरसेट 06-07 के लिए और अपकमिंग एग्जाम के लिए, क्लासरूम का रिकॉर्डिंग बैच है, जो सारे सब्जेक्ट वाइज इसमें क्लास है, टेस्ट है, सब कुछ एक ही दिन परचेज करके आप ले सकते हो, सारा का सारा 499 के अंदर, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ है। यदि आप लाइव बैच लेना चाहते हो, हमारे साथ चलना चाहते हो, तो अभी रिसेंटली जो कल से बैच स्टार्ट होगा वो है बैच 24, जो इवनिंग बैच है नॉर्थसेट 06-07 के लिए, 15, 16 और 17 अक्टूबर का डेमो क्लास होगा, कोर्स 6-7 महीने में कंप्लीट होगा, वीडियो 1 ईयर सेव रहेंगे, वीकली टेस्ट होगा ऑनलाइन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सेशन होगा, नोट्स डिक्टेशन होगा, ठीक है। ये ऑफर बंद हो चुका है, अब ऑनलाइन बैच के फीस 10,000 है, ऑफलाइन की 25,000 फीस होगी, ध्यान से समझिएगा। जो भी स्टूडेंट डेमो लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से रजिस्ट्रेशन बैच 24 परचेज कर लें, 100 रुपए का होगा, वहां पे आपको डेमो मिल जाएगी, 100 रुपए भी रिफंडेबल है, जो ज्वाइन नहीं करेगा उसको वो पैसे भी वापस मिल जाएंगे। 3 दिन पढ़ के देखिए, आपको लगता है कि अच्छा लग रहा है तो आप मेन बैच में ज्वाइन कर सकते हो। मॉर्निंग बैच में करना किसी को है तो मॉर्निंग बैच की भी डिटेल्स में बता देता हूँ। मॉर्निंग बैच आपका शुरू होने वाला है 5 नवंबर से, है ना, 5 नवंबर 2023 से होगा, सारी चीज सेम रहेगी, बस टाइम सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक का रहेगा, ठीक है। इसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देके आप ले सकते हैं, बाकी हेल्पलाइन पे कॉल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं, 9:30 से 10:30। फिर से मैं बता रहा हूं कि टीएसएल ने 21 डेज का एक चैलेंज शुरू किया है, उसमें 2 पार्ट्स के अंदर हम ये कर रहे हैं। पहली चीज क्या, 25 क्वेश्चन सुबह 10 बजे डेली टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड होंगे और उनको स्टूडेंट टेस्ट दे के खुद का रैंक या लेवल असेस कर सकता है। उसके बाद रात को 9 बजे हम सॉल्व कर रहे हैं डेली ये क्लास, तो हम 21 डेज तक क्लास करेंगे, आपको भी ये चीज करना है, समझ गए बात को। एक और स्पेशल चीज ये है कि टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन में एक और अपडेट हमने दिया है कि जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाओगे, वहां पे प्रीवियस ईयर पेपर करके हमने एक टेबल दी है, उस पर आप क्लिक करोगे तो पहले के एम्स वगैरह के जो पेपर है उनको देख सकते हो आप, ऐसे पीडीएफ नहीं, देख सकते हो, ये हमने अपडेट किया है, तो आपको कहीं ना कहीं ये फायदा देखने को मिलेगा। वहां एक कोर्स खुल जाएगा जिसकी 1 रुपए वैल्यू दिखा रहा है, आपको उसको भी परचेज करने की जरूरत नहीं, फ्री कंटेंट में आपको टेस्ट दिख जाएंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।